नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताएंगे कि यूपी फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए जो दोस्तों मैं क्लासेस ले रहा हूँ, इससे आपका दोस्तों दूसरे चैप्टर का दूसरा वीडियो है। इसमें दोस्तों आप सभी लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को मैं यही कहूंगा कि आप नोट डाउन करके रख लीजिए, जिससे दोस्तों आपको एग्जाम टाइम में रिविजन करने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलते रहेंगे, जिससे जो आपकी तैयारी है और आपका एग्जाम है अच्छी तरीके से आप पास कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहां से जो हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, बेंजोडाइजेपाइन की संरचना में 3 फ्लोरीन परमाणु और 1 क्लोरीन परमाणु होता है, तो दोस्तों यह किस प्रकार से होता है वही इसमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा हलजेपम प्रक्रिया के द्वारा ऐसा होता है, इसलिए यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन वर्ग के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों जो आपकी एंटीबायोटिक की दवा होती है जिसका नाम यहां से एरिथ्रोमाइसिन है, वह किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यहां से जो वह आपके वर्ग के अंतर्गत आता है दोस्तों, वह आपके यहां से आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, माइक्रोटाइड के अंतर्गत ये दवाएं आती है, इसलिए यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों एकदम करेक्ट यहां से हो जाएगा। अगला दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यावसायिक रूप से टेस्टोस्टेरोन से संश्लेषित किया जाता है, तो दोस्तों जो आपके व्यावसायिक रूप से टेस्टोस्टेरोन है उसको किस प्रकार से संश्लेषित किया जाता है? तो दोस्तों जो आपके यहाँ से सरसा पोजेनिन विधि है, इसकी मदद से आपका यहाँ से जो टेस्टोस्टेरोन को संश्लेषित किया जाता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिदीप्ति देता है? तो दोस्तों यहाँ से प्रतिदीप्त से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है, पिछली बार भी यह रिपीट हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ से आपको ट्राइमेटेरिन एकदम आई राइट आंसर का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्राइमेटेरिन के द्वारा ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है, इसलिए राइट आंसर यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोबेंडाजोल की कृमिनाशक गतिविधि के लिए आवश्यक संरचनात्मक इकाई है, तो दोस्तों जो आपकी दवा होती है जिसका नाम यहाँ से मोबेंडाजोल है, वह उसकी जो गतिविधि है वह किस संरचनात्मक इकाई होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से इमिडाजोल एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह दवा जो है इसके अंतर्गत आती है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेलोपेरियोड वर्ग से संबंधित है, तो दोस्तों जो आपका हेलोपेरियोड होता है वह किस वर्ग से संबंधित है, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ से ब्यूटारोफेनोन एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो कि इसका संश्लेषित नाम होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, रसायन की जलन का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला परीक्षण है, तो दोस्तों इस परीक्षण को आप सभी लोगों को पता होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका ड्रोज नेत्र परीक्षण के द्वारा इसको जो यहाँ से आइडेंटिफाई किया जाता है, इसलिए यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एस्पिरिन के संश्लेषण में शामिल है, तो दोस्तों जो आपकी एस्पिरिन होता है या दवाओं के अंतर्गत आती है, और इसमें जो आपके दोस्तों ओएस समूह का एसिडलीकरण इसमें किया जाता है, जिसकी मदद से इसको आपके संश्लेषण की प्रक्रिया को संभव किया जाता है, इसलिए यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये एस्पिरिन दवाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बार बार एग्जाम में आपको दवाओं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खासकर इस टॉपिक से तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी संरचना में प्रोपेनोलॉल की साइड चेन है, तो दोस्तों यहाँ से जो आपके प्रोपेनोलॉल है इसके यहाँ से जो साइड संरचना पूछा गया है, तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, जो कि आपका एसो प्राइमिनो प्रोपेन टू ऑल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका IUPAC यहाँ से पूछा गया था। तो IUPAC भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, इसलिए चैनल के साथ अंत तक बने रहें और जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्टेमिसिनिन की मलेरिया रोधी गतिविधि के लिए आवश्यक कार्यात्मक समूह कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपके पेरोक्साइड पुल होता है, यह सबसे ज्यादा यहाँ से गतिविधि के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पेरोक्साइड पुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से किस समूह की दवाओं में उभयधर्मी चरित्र होते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, ये क्वेश्चन कट गया है, इसलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखा देते हैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि पेंसिलिन में
थियाजोनाइडिन रिंग एक वीटालैम्टस रिंग से जुड़ी होती है जो वहन करती है। तो दोस्तों यहाँ से जो रिंग होती है वह कौन सी प्रक्रिया को वहन करती है, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका माध्यमिक एमिनो समूह, इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। एमिनो समूह आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ से NH2 समूह को कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से भी एकदम करेक्ट आप सभी लोगों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि यहाँ से ट्रेन एक्सोमिक एसिड को वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों इस जो आपका एसिड होता है इसको किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, इसी से आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ से आपको जो होमोस्टेटिक होता है इसके वर्ग के अंतर्गत यह आता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी लोगों का, यहाँ से थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो इसके लिए शीर्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपके हेमोस्टेटिक प्रक्रिया होती है यह इस प्रक्रिया में भाग लेता है, इसलिए यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी थ्रोम्बिन एंजाइम होती है वह सबसे ज़्यादा इसी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाई सीलिंग लूप मूत्रवर्धक है। तो दोस्तों जो आपका सीलिंग हाई होता है यह आपका मूत्रवर्धक लूप होता है, जो कि दोस्तों आपके प्रोमेसाइट की मदद से ऐसा होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को इसके अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए राइट आंसर यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को चुनकर आपके लिए लाए हैं। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एल्डोस्टेरोन विरोधी मूत्रवर्धक है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका स्पिरियोलैक्टोन होता है यह प्रक्रिया में सबसे ज्यादा भाग लेता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, जो बार बार एग्जाम में यह पूछा गया है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और नोट्स बनाकर रख लीजिए, देख लीजिएगा कि आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों खाली स्थान को छोड़कर सभी चेलोनोमोरिटिक अल्काइड हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो आपके वेथानेकोल होते हैं यह आपके सबसे इसको छोड़कर बाकी जो प्रक्रियाएं होती हैं सभी में यहाँ से अल्काइड होते हैं, इसलिए यहाँ से राइट आंसर डी आपका एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निकोटिनिक एसिड कम करता है। तो दोस्तों जो आपका निकोटिनिक एसिड होता है वह आपको किस प्रक्रिया में काम करता है, यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल होता है वह इस एसिड को कम करने में यहाँ से काम करता है, इसलिए यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगला 19 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से जो पूछा गया है फेंटोलाइम इन में फोर द्वारा किया जाता है का व्युत्पन्न क्या है। तो दोस्तों यहाँ से जो इसका व्युत्पन्न होता है दोस्तों वह आपका एमिडाजोलिन होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में इसका व्युत्पन्न इसी को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से है कि सिंथेटिक बेंजोक्साइजोल मसल रिलेक्टेंट क्या है। तो दोस्तों यह जो आपका होता है वह आपका क्लोरोजाइमेक्सोन के अंतर्गत इसको लिया जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से जरूर देखिएगा। खाली स्थान को छोड़कर अभी ओपीओइड से संबंधित दवाएं हैं। तो दोस्तों जो आपके कैरामीफीन होती हैं इस ये को छोड़कर बाकी जो सारी दवाएं हैं आपकी यहाँ से ओपीओइड से संबंधित दवाएं हैं, बाकी इस दवा को छोड़कर आपका यहाँ से राइट आंसर एकदम करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सारी दवाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दवाओं से रिलेटेड ही आपका जो यहाँ से एग्जाम होता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने यहाँ से दिख रहा होगा, जो कि एंटी हिस्टामाइन डिफेनहाइड्रामाइन को एक के रूप में खाली स्थान वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों किसके रूप में इन दवाओं को वर्गीकृत किया जाता है, इसके अंतर्गत यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यहां से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां से एथेनॉल माइन एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एथलान माइन के अंतर्गत ही इनको वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए राइट आंसर भी एकदम करेक्ट आप सभी लोगों का हो जाएगा। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्टर पैरासिटामोल है। तो दोस्तों पैरासिटामोल से रिलेटेड तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है और हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए दोस्तों जो इसको है आपको
बेनोरिलेट के अंतर्गत इसको रखा जाता है, इसलिए यहाँ से जो आपकी दवा है यह पेरेस्टामोल बेनोरिलेट इसे कहते हैं, इसलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको करा रहे हैं, आशा है आपको वीडियो अच्छा लगेगा, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। एक बहुलक संघनन उत्पाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एस्पिरिन है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपके बहुलक संघनन होते हैं वह आपके एलोक्सीप्रिन जो यहाँ से दवा होती है उसके अंतर्गत इसको लिया जाता है, जो कि संघनन प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ से जो राइट आंसर बी एकदम करेक्ट आप सभी लोगों का यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 24 क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है इस टॉपिक से, इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन आपको करवाते रहेंगे, इसलिए वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो कैसा लगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।